हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे रुचि इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ शुरुआत कर रहे हैं। कैपेसिटर हम चेक कैसे करेंगे कि चेक कर हमारा कैपेसिटर ख़राब है कि अच्छा है। आप पूरी वीडियो देखते रहे, आपको अच्छी तरह समझ जाएगा। हमारा जो भी वीडियो रहेगा उसमें ड्रॉइंग, टेस्टिंग, लाइव चेक करके आपको पूरा एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ कि आपको कुछ भी डाउट ना बचे, ठीक है? इसलिए आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा लाइव टेस्ट करके ड्रॉइंग के माध्यम से आपको पूरा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए हमारा पूरा वीडियो को देखें प्लीज़, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर कुछ डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिए, ठीक है? चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी मैं फर्स्ट आपको चार्ट के हिसाब से, मैंने एक चार्ट बनाया हूँ, और चार्ट के हिसाब से मैं आपको पूरा उसको एक्सप्लेन करूँगा। फिर बाद में आपको मैं लास्ट में वन बाई वन टेस्ट करके मैं बताऊँगा। हमारे साथ में एक 20 KVA का कैपेसिटर है, ठीक है? मैं उसका एक रेटिंग के हिसाब से पूरा आपको ऑलरेडी, कोई भी कैपेसिटर आपके साथ में रहेगा तो उसके नेम प्लेट के ऊपर पूरा उसका रेटिंग लिखा रहता है। फर्स्ट कोई भी कैपेसिटर चेक करने के लिए आपको फर्स्ट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? कि आपका कैपेसिटर कितने वोल्ट का है, उस वोल्ट के हिसाब से कितना करंट है। वो करंट आपको बिल्कुल बैलेंस चाहिए, अगर अनबैलेंस होता है तो आपको लाजम चेंज करो। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा, आपको पूरा वीडियो देखते रहेंगे, आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है? हमारा कोई भी वीडियो आपको पूरा ड्राइंग, टेस्टिंग, लाइव चेक करके मैं बताता हूँ, क्योंकि किसी भी आदमी को कोई डाउट ना बचे, इसलिए मैं आपको पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? आज मैं सोचा कैपेसिटर के बारे में, उसको कैसे चेक करते हैं, हमारा कैपेसिटर ख़राब है, सही है, कौन से कंडीशन में कैसे मालूम पड़ेगा, ठीक है? इसलिए मैं थ्री टाइप से मैं आपको बताऊँगा, तीन टाइप से कैसे चेक करते हैं, ठीक है? ड्राइंग के माध्यम से बताता हूँ आपको, ठीक है? फिर मैं आप बताऊँ, ठीक है? फर्स्ट हम फिजिकल टेस्ट करते हैं, ठीक है? फिजिकल टाइप आप जाके कैपेसिटर सामने से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा, वो कैपेसिटर के अंदर आपको कुछ ऑयल निकला हुआ या कुछ फूगा हुआ दिखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है? तो आप उससे तो समझ सकते हैं कुछ काला हुआ, कुछ जल गया होता है। फर्स्ट मेथड है, आप बिल्कुल सामने देख के समझ सकते हैं, ठीक है? ये फर्स्ट वाला। आप सेकंड में हम एक क्लैंप मीटर के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है? आपके साथ में कोई क्लैंप मीटर है तो उसके थ्रू भी देख सकते हैं। और थर्ड में हमारा मल्टीमीटर के थ्रू देख सकते हैं, जो हमारा एक टाइप का मल्टीमीटर आता है, वो मल्टीमीटर में हम फेराइट वैल्यू उसका चेक कर सकते हैं। वो हमारा एक कैपेसिटर का फेराइट वैल्यू कितना है उसके हिसाब से हम देख सकते हैं, ठीक है? आपको मैं वन बाय वन पूरा बताता हूँ आपको, ठीक है? फर्स्ट मैं प्रोटोन के हिसाब से बताता हूँ, किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है? मान लीजिए अभी हमारे साथ में अभी 20 KVA का कैपेसिटर कोई भी है, तो उसका मैंने फर्स्ट, हमारा कोई भी कैपेसिटर वोल्टेज के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है? मान लीजिए हमारा कैपेसिटर 415 वोल्ट का है, देख सकते हैं, मान लीजिए 415 वोल्ट का है, तभी मैं क्लेम मीटर के आधार से चेक करेगा रेड फेस में, उसको सप्लाई देगा थ्री फेस, रेड फेस में मैं चेक करूंगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा कितना एम्पीयर लोड ले रहा है, ठीक है? तो मान लीजिए अभी एक हमारे साथ में कैपेसिटर है, मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा आपको, वो टाइम आपको अच्छी तरह से फर्स्ट आप ड्रॉइंग के माध्यम से समझ लीजिए। फर्स्ट हमारे को आप रेड फेस में देखिए, तो हमारे को रेड फेस में आपको 28.65 एम्पीयर मिल रहा है, ठीक है? रेड फेस में हमारा मिल रहा है, ठीक है? और वाई फेस में हमारा देखेंगे तो वाई फेस में हमारा 28.20 एम्पीयर मिल रहा है, और बी फेस में किलोमीटर डाल के आप चेक करेंगे तो 28.90 एम्पीयर मिल रहा है। मीन्स हमारा ये बैलेंसिंग है, ज़्यादा अप डाउन नहीं है, ठीक है? इसलिए ये टाइप के कैपेसिटर को ऐसा अगर कंडीशन आपके सामने है तो ये कैपेसिटर ओके कंडीशन में, ठीक है? इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको ये यूज कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा माइनर कुछ डिफरेंट नहीं है। ज़्यादा डिफरेंट आएगा तो आप उसको लाजम चेंज करना चाहिए, ठीक है? अभी नेक्स्ट हम आते हैं, अभी मान लीजिए हमारा ये दूसरा आर फेस में आप चेक करें, ठीक है? कभी भी आपको दूसरा कंडीशन अगर 28.10 एम्पीयर आ रहा है, समझ, मान लीजिए 28.10 एम्पीयर आ रहा है रेड फेस में, ठीक है? और हमारा इसमें 28.65 है, ठीक है? 28.90 है, ये तीनों बैलेंसिंग है, इसमें हमारा आ रहा है 28.10 आ रहा है, ठीक है? तो ये हमारा मेजर कंडीशन है, मीन्स मेजर मीन्स मतलब 5 से 10% के बीच में हमारा वो बैलेंसिंग है, उससे कम नहीं है हमारा करंट, ठीक है? तो इसलिए हमारा मेजर कंडीशन है, तो इसके लिए हम एक कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये कैपेसिटर हम यूज कर सकते हैं, मतलब मेजर करें, हमारा 5% से लेकर 10% के बीच में डाउन होगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है करंट, ठीक है? उससे 10% से ज़्यादा होगा तो
हमको लाजम चेंज करना चाहिए। देख सपोज मान लीजिए आप देखिए, अब ये वाई फेस में मैंने चेक किया 27.5 है, तो 27.5 बिल्कुल हमारा डाउन ज़्यादा हो गया, ठीक है। ये 28.65 है, 28.90 है, ये डायरेक्ट हमारा 27.5, ये हमारा 10% से ज़्यादा परसेंटेज आप निकालेंगे तो, 10% से ज़्यादा है तो हमको ये फॉल्टी कंडीशन में इसको फॉल्ट मतलब हमारा कैपेसिटर फॉल्ट है, ठीक है, इसको लाजम चेंज करना चाहिए, ठीक है, ये तो बाद में जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है बी फेस में, बी फेस में 28.20 एम्पेयर है, ठीक है, तो ये हमारा 5% के अंदर में है, ठीक है, मतलब हमारा 5% के अंदर में हमारा करंट इसका ड्रॉप है, तो हम इसको अनबैलेंस है, मिस हमारा ओके है, मतलब इसको फिर भी बाद में आपको चेंज करना चाहिए, ये 5% से 5% तक इसका डाउन है, ठीक है। तो आपको ये भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये बैलेंसिंग कंडीशन में है, ठीक है, लेकिन ये तीनों कंडीशन में आपको अलग अलग है तो आपको लाजम चेंज करना चाहिए कैपेसिटर, आपको ये फॉल्ट कैपेसिटर माना जाएगा, ठीक है। मान लीजिए रेड फेस में इतना आ रहा है, इसमें इतना आ रहा है और इसमें इतना आ रहा है, तो आपको ये कैपेसिटर लाजम चेंज करना चाहिए, ठीक है, क्यों ये हमारा पूरा अनबैलेंस हो रहा है। अब ये हमारा 28 पे हमारा नॉर्मल रेटिंग कैपेसिटर का इतना रेटिंग आ रहा है, अभी हमारा जो एक फेस में इतना आ रहा है 28.10 आ रहा है, ये 27.5 आ रहा है, ये 28.20 आ रहा है, मीन्स हमारा तीनों बिल्कुल अनबैलेंस है, मीन्स हमारा पूरा कैपेसिटर चेंज करना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या आता है, आपको क्लाइमेटर चेक करेंगे तो मान लीजिए आर फेस में हमारा 24 एम्पियर है, बी फेस में हमारा सॉरी वाई फेस में हमारा 24 एम्पियर है और बी फेस में हमारा 24 एम्पियर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में मान लीजिए आपका कैपेसिटर पूरा करंट तो बैलेंस है, तीनों करंट तो आपको देखने के लिए बैलेंस है, आर फेस का 24 है, वाई फेस का 24 है और बी फेस का 24 है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या है, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटर फुल वैल्यू है कैपेसिटर का, ये हमारा 20 kVAr है, 20 kVAr है, तो हमारा 20 मान लीजिए 20 kVAr है, 20 kVAr में हमारे को 20 kVAr में हमारा कितना मिल रहा है, 28.90 आ रहा है, 28.65 है, 28.20 है, ठीक है। ये तीन कंडीशन है हमारा, फर्स्ट हमारा अच्छा कंडीशन जो हमारा अच्छा कैपेसिटर है उसका। अभी इसमें क्या हो रहा है, अभी ये कंडीशन में आपको दिख रहा 24 एम्पेयर आ रहा है, मीन्स हमारे पूरा इसका कैपेसिटर जो वैल्यू है वो बिल्कुल लो हो गया, मतलब ये कम हो गया है, तो हमको अगर ज़्यादा ज़रूरत है, हमको 20 kVAr का ज़रूरत है, तो इसको हमारा 24 एम्पेयर इसका जो कैपेसिटर है कैपेसिटर वैल्यू है वो कम हो गया है, इसलिए इसको लाजम हमको चेंज करना चाहिए, मतलब इनसे हमारा ये रॉन्ग है, ठीक है। अभी हम आगे आपको टेस्ट करके लाइव दिखाता हूँ, ठीक है, आप देखते रहे, मैं पूरा लाइव आपको क्लाइमीटर में दिखा रहा हूँ, अभी आपको फर्स्ट में ड्राइंग के माध्यम से दिखाया आपको, हमको हमारा पूरा वीडियो में आपको ऐसा मतलब ड्राइंग के हिसाब से और आपको टेस्ट करके लाइव आपको मिलेगा, ठीक है। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में बोलिए, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करके दूंगा, ठीक है। हमारा कोई भी वीडियो आपको आप देखेंगे तो फर्स्ट उसको ड्राइंग टेस्टिंग पूरा लाइव वन बाय वन क्लियर करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं इसके सोचा कि आपको कुछ अच्छा से डिटेल फर्स्ट में आपको ड्राइंग के माध्यम से समझा दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह, ठीक है। अब ये तीसरा जो है हमारा जो फेराइट वैल्यू कैसे चेक करते हैं, इसके लिए हमारे पास मल्टीमीटर अवेलेबल नहीं है, मल्टीमीटर अगर आएगा तो मैं उसके ऊपर से अलग से वीडियो बना दूंगा आपको, इसको कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो जो उसमें भी जी है, मतलब इस हमारा जो कैपेसिटर को जो फेराइट वैल्यू लिखा रहता ना, वो फेराइट से हम चेक करेंगे तो फेस टू फेस, मान लीजिए अभी हम रेड फेस टू वाई फेस चेक करें तो हमारा क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा मान लीजिए वाई टू बी फेस हम चेक करें तो क्या वैल्यू आ रहा है वो, और आर टू बी चेक करें तो क्या वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम जो कैपेसिटर में लिखा रहता है ना, और मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको हमारे साथ में मल्टीमीटर आएगा तो ये फेराइट वैल्यू चेक करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं नॉर्मल आपको थोड़ा समझाने के लिए बेसिक बता रहा हूँ इसको। अब आर फेस वाई फेस में उसको चेक करेंगे तो आपका उसका वैल्यू बताएगा, जो उसका फेराइट वैल्यू है वो शो करेगा, तो आप उसमें देखने का जो कैपेसिटर का नेम प्लेट रहेगा वो नेम प्लेट के ऊपर उसका वैल्यू लिखा रहेगा, तो वो वैल्यू के हिसाब से अगर ये आपका मैच हो रहा है तो आपका कैपेसिटर ओके है,
अगर कुछ ज़्यादा अनबैलेंस हो रहा है तो वो फिर ख़राब है। ठीक है, अभी हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहे हैं आपको कितने एम्पियर ले रहा है। ठीक है, पूरा पैनल भी आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहें। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं, अब हमारे आपके सामने एक कैपेसिटर पैनल है। ठीक है, यही कैपेसिटर है, पावर कैपेसिटर। ठीक है, 3 फेज पावर कैपेसिटर, ये पूरा पैनल है। और ऊपर का जो दिख रहा है वो हार्मोनिक फिल्टर है, रिएक्टर है। ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, इसको मैं अभी चेक करके आपको दिखाऊंगा इसका क्या वैल्यू आ रहा है, पूरा मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको थोड़ा समझने के लिए किधर यूज होता है, इसके लिए मैं थोड़ा ये पूरा पैनल आपको दिखाया कि ये कैपेसिटर यूज किधर किधर होता है। ठीक है, ये हमारा पावर को कैपेसिटर और पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा पैनल है और इसका पूरा व्यू मैं दिखा रहा हूँ कि आपको अगर सोचेंगे ये हमारा कैपेसिटर यूज किधर होता है, तो बड़े बड़े बिल्डिंगों में और पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए ये लगता है। तो ये पूरा कैपेसिटर को मैं अलग से वीडियो बना, क्यों बहुत वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं सोचा कि अलग अलग से वीडियो में बनाकर आपको। ये हमारा देख सकते हैं उसका रेगुलेटर है, ऑटोमेटिक सेंस करके कैपेसिटर वन बाई वन ऑन करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पूरा पैनल है हमारा। आप अगर कैपेसिटर के बारे में मालूम होगा तो ठीक है, ये तो मैं जस्ट दिखाया आपको कि आपको थोड़े समझ में आएगा तो अच्छा है। ठीक है, ये कैपेसिटर हमारा बड़े बड़े बिल्डिंग का पावर फैक्ट्री में देखिए, हमारा जो यही कैपेसिटर जो मैंने फर्स्ट बताया था, आप फिजिकल जाकर चेक कर सकते हैं, ये कैपेसिटर जला हुआ है, देखिए पूरा ब्लास्ट हो गया है, ऑयल ऊपर फेंक दिया है और पूरा फूक गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट कंडीशन में आप अगर कोई भी कैपेसिटर है तो कैपेसिटर देखने के लिए जा रहे हैं तो आप कैपेसिटर को फर्स्ट देखिए फिजिकली कि वो कौन सी कंडीशन में है, कुछ फूगा हुआ है, कुछ ऑयल निकला हुआ है, कुछ फटा हुआ है, कुछ जला हुआ है, तो उसको डायरेक्टली हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ ऐसा नहीं मालूम पड़ता है तो फिर बिल्कुल अच्छा है, तो आप मल्टीमीटर या कोई भी क्ले मीटर के थ्रू, जैसे मैंने आपको ड्रॉइंग में बनाया, उससे आप चेक कर सकते हैं, फिर आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगा कि कैपेसिटर अच्छा है खराब। ऊपर से देखने के लिए बहुत कैपेसिटर मालूम नहीं पड़ेगा आपको ख़राब है कि अच्छा है, इसलिए आपको मल्टीमीटर या क्लेमीटर के थ्रू आप चेक करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि हाँ हमारा कैपेसिटर अच्छा है कि ख़राब है। ठीक है, कैपेसिटर ऑलमोस्ट थोड़ा दिन यूज करने के बाद में वो ख़राब हो जाता है, इसलिए आप कुछ चेंज करते रहना चाहिए बीच में। ठीक है, देखिए कैपेसिटर है उसका पूरा वायरिंग है, ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटर है, मैं ये कैपेसिटर के बारे में आपको बताऊँगा। ठीक है, कि कैसे चेक करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं उसको। ठीक है, ये हमारा वायरिंग जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा आपको समझने के लिए बेसिकली कि हम लोग कैसा इसका यूज करते हैं, कैसा हमारा किधर यूज होता है। बिल्डिंग में हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए मैं इस पावर फैक्टर के ऊपर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा ऑलरेडी। ठीक है, आप देखते रहिए क्यों पावर फैक्टर क्या है, इसको किधर कैसे यूज करते हैं, कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं। आज तो हमारा जो टॉपिक है थंबनेल में आपने देखा होगा कि हमारा जो कैपेसिटर ख़राब है अच्छा है कैसे मालूम पड़ेगा चेक करने के थ्रू, तो इसलिए मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया। अभी आगे का वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा कि देखिए मैं अभी चेक करके दिखा रहा हूँ आपको लाइव, जो मैंने ड्राइंग में बताया वो मैं अब वन बाई वन दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट हमारा मल्टीमीटर में हमारा एम्पेयर के ऊपर सेलेक्ट करना का नोब उसका। ठीक है, देखिए अभी हमारा बी फेस में 28.60 दिखा रहा है, ये रेड फेस में हमारा 28.46 समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, और आर फेस में हमारा 28.20 समथिंग दिखा रहा है। ठीक है, ये तीनों फेस में ऑलरेडी मैंने सप्लाई दे कर रखा है इसमें तो फ्यूज के थ्रू, तो इसके लिए आपको लाइव में चेक करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट मैंने आपको ड्राइंग के माध्यम से दिखाया भी था कि हमारे पास 20 kVAR का कैपेसिटर है, तो उसको मैं लाइव कैसे दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये लाइव में दिखाया। ठीक है, फर्स्ट हमारा मल्टीमीटर को केयरफुल सिलेक्शन करने का एम्पियर में। ठीक है, जिधर एम्पियर लिखा हुआ है उसके हिसाब से सिलेक्शन करने का। ठीक है, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।